आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल निकाह में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकाराओं की असल ज़िंदगी में खूबसूरत बहन भाई की जोड़ी के बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी इन अदाकाराओं के बारे में हैरान कुन हकायक जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। नंबर 1, नवीद रज़ा। ड्रामा सीरियल निकाह में नदीम का किरदार निभाने वाले अदाकार नवीद रज़ा के बारे में आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि अदाकार नवीद रज़ा अपने मामू के बेटे फजल अब्बास को ही अपना भाई मानते हैं, जो कि एक मशहूर डेंटिस्ट हैं। इन दोनों कज़न्स में काफ़ी गहरी दोस्ती है और ये एक साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात की तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे इनके दरमियान मौजूद मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 2, कमल खान। ड्रामा सीरियल निकाह में युसरा का किरदार बखूबी निभाती हुई नज़र आ रही हैं। इनके बारे में आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि अदाकारा कमल खान की वालदा भी शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं। इनकी फैमिली में इनके वालदैन के अलावा इनकी दो खूबसूरत सी बहनें और एक हैंडसम सा भाई है। इनकी एक बहन का नाम आयशा खान है, जो कि उम्र में इनसे 4 साल छोटी हैं। इनकी अपनी बहन से काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती है और ये अपनी बहन के साथ हर बात शेयर करना पसंद करती हैं और अपनी बहन के साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात की तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर करती रहती हैं, जिससे इनके दरमियान मौजूद मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 3, हारून शाहे। ये ड्रामा सीरियल निकाह में हमदान का किरदार बखूबी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अदाकार हारून शाहिद के बारे में आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि अदाकार आसफ़ रज़ा मीर इनके मामू, जबकि शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार अहद रज़ा मीर इनके कज़न साद भाई हैं। अदाकार हारून शाहिद की फैमिली में इनके दो भाई हैं, एक भाई इनसे बड़े जबकि एक भाई इनके जुड़वा हैं। अदाकार हारून शाहिद अपनी वालदा के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अदाकार हारून शाहिद के बारे में आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि शोबिज़ इंडस्ट्री के हैंडसम अदाकार जैन अफजल इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और ये इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और अक्सर उनके साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात की तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे इनके दरमियान मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 4, साइमा कुरैशी। ड्रामा सीरियल निकाह में रायना आंटी का किरदार निभाने वाली खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड अदाकारा एक आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि वो माजी की कामयाब अदाकारा रुदीना कुरैशी की बेटी हैं और सीनियर अदाकारा अफशा कुरैशी इनकी चची हैं। इसके अलावा शोबिज़ इंडस्ट्री के बेहद हैंडसम और टैलेंटेड अदाकार फैसल कुरैशी इनके कज़न जाद भाई हैं और ये इनसे अपनी हर बात शेयर करना पसंद करती हैं। अदाकार फैसल कुरैशी इस वक्त ड्रामा सीरियल परख में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दोनों बहन भाई में मजबूत दोस्ती का रिश्ता मौजूद है, जिसका अंदाज़ा इन तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। नंबर 5, हमाद फ़ारूकी। ये ड्रामा सीरियल निकाह में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि अदाकार हमाद फ़ारूकी एक वेल एजुकेटेड और आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो शोबिज़ इंडस्ट्री के कामयाब अदाकार फराज़ फ़ारूकी के जुड़वा भाई हैं, जो कि एक मशहूर अदाकार और मॉडल होने के साथ साथ डांसर भी हैं और इन दोनों अदाकार भाइयों की शक्लें और टैलेंट एक जैसा है। इन दोनों भाइयों में मजबूत दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता मौजूद है और अपने भाई के साथ हर बात शेयर करना पसंद करते हैं। इन दोनों भाइयों की मोहब्बत का अंदाज़ा तस्वीर को देख कर लगाया जा सकता है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 6, परी हाशमी। ये ड्रामा सीरियल निकाह में हमदान की मंगेतर का किरदार प्ले करने वाली खूबसूरत अदाकारा परी हाशमी की एक खूबसूरत सी बहन है, जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती। इनका अपनी बहन के साथ बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है और वो हर काम में अपनी बहन की राय लेना ज़रूरी समझती हैं, जिससे इन बहनों की आपस में मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी तो नाज़रीन, आपको इन अदाकाराओं की बहन भाई और भाई भाई की जोड़ी के बारे में जानकर कैसा लगा?
कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।